रोलिंग। ठीक है सर, आईडी पे करना है, मैं बाद में करूँगा। ठीक है, रेडी। मुकेश जी, बीजेपी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए हैं कि विपक्ष जो है इस संकट की घड़ी में राजनीति कर रहा है और जिस तरह से मुद्दों को इन्हें भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी नसीहत दी है कि विपक्ष जो इस संकट की घड़ी में राजनीति ना करे, तो इसको लेकर विपक्ष का क्या कहना है? क्या सही मायने में जो आप जो इश्यूज उठा रहे हैं उसमें राजनीति की जा रही है? देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष श्री राजीव बिंदल, आज जब सारा विश्व और देश और प्रदेश जब कोरोना महामारी से लड़ रहा है और कोरोना से कैसे लड़ा जाए और प्रदेश की आर्थिक को कैसे रिवाइव किया जाए, उस समय जो है ये दोनों नेता मुकेश अग्निहोत्री से लड़ रहे हैं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं। और मैंने इनको सुना और इन दोनों को गुस्सा क्यों आया है, खास तौर पे मुख्यमंत्री को गुस्सा क्यों आया है? ये जनता के रिस्पांस से समझ आ रहा है, पब्लिक रिस्पांस से समझ आ रहा है। और मुख्यमंत्री कई दफा नसीहत दे चुके हैं कांग्रेस पार्टी को और मुकेश अग्निहोत्री को, हमें मुख्यमंत्री के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, ना ही हमें भाजपा के राज्य अध्यक्ष के प्रमाण पत्र की जरूरत है। हमें राज्य हित में जो ठीक लगेगा हम करेंगे। और हमने पहले कहा है कि कोरोना की इस महामारी के दौर में हम सहयोग राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ सहयोग की राजनीति, मदद की राजनीति, कल्याण की राजनीति। और मुख्यमंत्री को एकाएक ऐसा क्या फील हुआ कि उन्होंने जो है विपक्ष पे हमला किया, उसके पीछे एक पृष्ठभूमि नजर आ रही है मुझे। दरअसल मुख्यमंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीटर हॉफ में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए, उस दिन मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बड़ी बातें कही गई। एक तो ये कहा कि कोटा से बच्चे लाना तकरीबन नामुमकिन है, या ये कहा कि 800 किलोमीटर 700 किलोमीटर की दूरी से बच्चे कैसे लाएं, जो लाए गए हैं वो नजदीकी राज्यों के हैं। दूसरी, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं जोखिम नहीं ले सकता। ये मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जरूरत पड़े तो उसको फिर से जो है देखा जा सकता है। अब सवाल यह है कि बाहर से बच्चे आ रहे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं, हमने कहा चंडीगढ़ से लोग आएंगे हम स्वागत करेंगे, बाहर और दूर देश दुनिया से आएंगे स्वागत करेंगे। हमने शुरू से एक बात रखी है कि जब बाहर से लोग लाएंगे, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हिमाचल प्रदेश का बना है, देश का बना है, कि उनको कैसे लाना है, उनका चेकअप होना है, उनका मेडिकल होना है, उनको क्वारंटाइन करना है, होम में करना है, या जो भी करना व्यवस्थाएं करनी है। आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही तैश में कहा कि लोगों को लाते समय जो है, लाने के लिए कुछ समय तो लगना था, व्यवस्थाएं बनाते हुए। क्या व्यवस्थाएं बनाई आपने? आज मैहतपुर बॉर्डर पे देखें क्या हाल है, किस ढंग से आपने व्यवस्थाएं की। अभी मैं लाइव सुन रहा था, ना आपने सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल रखा है, ना आपने जो है कोई वहां टीमें ढंग से तैनात की। क्या व्यवस्थाएं क्या की? क्या आपने कोई
पोर्टल बनाया जिसमें कि ये तय हो कि पूरे देश दुनिया में कहां कहां हिमाचल के लोग हैं, वो उनकी रजिस्ट्रेशन हुई हो। इसलिए असल में जब मसले जो है ढंग से सुलटते नहीं है तब जो है इस ढंग का गुस्सा आता है, इस ढंग की नसीहतें दी जाती हैं। हमने, मैं आपको बताऊं कि 4 मार्च को हमने कहा कि कोरोना पे डिस्कशन कर लो, आपने रिजेक्ट की विधानसभा में, आपने डिस्कशन रिजेक्ट की। हमने उस दिन क्या कहा था और आज भी बात वहीं पे खड़ी है। हमने उस दिन कहा था कि भाई आपके पास कितने वेंटिलेटर हैं, कितने आपके पास जो है पीपीई किट्स हैं, कितने आपके पास जो है मास्क हैं, कितनी दूसरी व्यवस्थाएं हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, सारी चर्चा करने के लिए कहा था। विधानसभा का रिकॉर्ड गवाह है आज भी कि आपने उसको रिजेक्ट किया। उसके 19 दिन के बाद जो है आप, हमने फिर स्थगन प्रस्ताव दिया और उस दिन आपसे डिस्कशन हुई हमारी और आपने कहा कि आज लॉकडाउन कर देते हैं और आप बजट को प्रेस करना छोड़ दें और बजट पे जो डिमांड्स की चर्चा नहीं करनी है। हमने आपकी बात मानी और लॉकडाउन हो गया सारा। अब सवाल ये उठता है कि जहां तो हम आपकी आपकी बात में हां मिला दें तब तो वो सकारात्मक और रचनात्मक सुझाव हो गए, जहां हम कहें कि ये चीजें करने की हैं, ये अभी तक आपातकाल नहीं है, ना ही हिमाचल प्रदेश में तानाशाही है कि जो आप चाहोगे वही होगा, ऐसा नहीं है। विपक्ष की अपनी भूमिका है, कांग्रेस विधायक दल की, कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के नेताओं की अपनी भूमिका है, वो अपनी भूमिका निभाएंगे। और आज गुस्सा इसलिए इनको आ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पे जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों में भी गुस्सा है कि कब से जो है सरकार ने कोटा में मूवमेंट कब हुई थी। 19 तारीख को उत्तर प्रदेश की सरकार वहां से बच्चे ले गई थी और उसके बाद 5 अन्य राज्यों ने कहा कि हम अपने बच्चे ले जा रहे हैं। आप सबसे अंत में आए हैं और सबसे अंत में लाने के बाद भी आप कह रहे हैं कि जी कांग्रेस श्रेय ले रही है। हम इनको कह रहे हैं कि हमें श्रेय की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी किसी श्रेय की पक्षधर नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने भी कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सारा श्रेय आप अपने को ले लो, अपने मुख्यमंत्री जी को दे दो, बिंदल जी अपने लिए जो है और बहुत ज्यादा है तो अपने सर्टिफिकेट छपा लो और उस पे जो भी हिमाचल में व्यक्ति अंदर आता है उसे साइन करके ले लो कि हम आभारी हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के। ये मसला श्रेय का नहीं है, ये मसला जो है व्यवस्था का है। गुस्सा दोनों में इसलिए है क्योंकि दोनों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं व्यवस्था संभालने में समय लगा है, कहीं ना कहीं हमने अफसरशाही के दबाव में जो है फैसले नहीं लिए हैं। और अब जब लॉकडाउन नीचे को जा रहा है, हम तो आज भी कहते हैं जो लॉकडाउन को लेके सरकार फैसला लेगी, जयराम जी फैसला लेके, हम उसके साथ हैं। राज्य में को कोरोना मुक्त करना या राज्य में कोरोना को जो है कोरोना को भगाना, उस मुहिम में हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप राजनीति करने की कोशिश करेंगे दोनों लोग, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि कुछ चूक हो गई है, कई मसले हमने ढंग से हैंडल नहीं किए हैं और क्योंकि विपक्ष ने उठाए तो लोगों की धारणा बनी। हमने, आप बताओ कि हम कहां कह रहे हैं, ये तो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं। आप जब काम करेंगे तो इसलिए मुख्यमंत्री जी अगर समझते हैं कि वो ज्ञान के असीमित भंडार हैं और सारी दुनिया का ज्ञान जो है सिर्फ उनके पास है, विपक्ष के पास कुछ नहीं है, तो कीजिए तानाशाह बन के काम कीजिए, जो जिस ढंग से आपने काम करना है। हमारा जिम्मा है, हम एक विपक्ष, रचनात्मक विपक्ष और एक सुदृढ़ विपक्ष के नाते जो बात हमें कहनी है हम कहेंगे।
और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये इनकी इनकी स्थिति खराब क्यों हुई, क्योंकि जब ये आ गया गुजरात, राजस्थान के पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि सारे अपने बच्चे ले जाओ, फिर उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम देश दुनिया में जहां भी कोई राजस्थानी है उसको हम वापस ले आएंगे, फिर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जहां पे 150,000 NRIs आए, वहां पे बाहर से आए थे लोग, उन्होंने नंदेड़ साहब से नंदेड़ से जो है हजूर साहब से भी श्रद्धालुओं को वो लेके आ गए, उत्तराखंड से जो है श्रद्धालु गुजरात पहुंच गए, हरियाणा से जो है मजदूर उत्तर प्रदेश पहुंच गए। जब ये सारी व्यवस्थाएं चल रही थी तो हमने एक विपक्ष के नाते अगर सरकार से कहा है, हमने तो लिख के कहा है, लिख के दिया है सारा, और जब नहीं हुआ तो हम राज्यपाल के पास गए, माननीय वीरभद्र सिंह जी की अगुवाई में हम राज्यपाल के पास गए, एक डेलीगेशन गया हमारा, वो आप देख सकते हैं। जब हम राज्यपाल के पास गए, हमने बकायदा जो है अपना मेमोरेंडम दिया उनको, कांग्रेस पार्टी का मेमोरेंडम ये है जिसमें हमने राज्यपाल से ये आग्रह किया था कि आप कोटा से बच्चे लाएं, आप होटलों को खोलें, आप रेस्ट हाउसेस को खोलें, हमने पीपीई किट्स और दूसरी चीजों पे और व्यवस्थाओं पे इसमें बात की थी, इसी में हमने ऑस्टेरिटी पैकेज बनाने के लिए बात की थी कि आप किस किस से काटेंगे, किस किस का पैसा काटेंगे, कैसा बजट काटेंगे, हमने ये कहा था बिजली पानी इनका जो है बिल जो है 3 महीने के लिए माफ किया जाए, तो कृषि का फसल के लिए क्या करना है, हॉर्टिकल्चर के लिए क्या करना है, ये हम महामहिम से मिले, ये हमारा अधिकार है महामहिम राज्यपाल से मिलना, और इस पे इनको परेशानी हो गई। अब आप देखते हैं, हम 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री से मिले, ये पत्र हमने मुख्यमंत्री को दिया, खुद जाके मिल के आए, 11 दिन के बाद मुख्यमंत्री का जवाब आता है, पेंडेमिक के दौर में भी 10 दिन लग गए जवाब देने के लिए, चलो हम आभारी हैं कि आपने कम से कम इस पत्र का जवाब तो दिया है। और उसके बाद हमने ये पत्र जो है 18 तारीख को मुख्यमंत्री जी को लिखा कि आप जो हैं, जो बाहर बच्चों का मसला है, चंडीगढ़ का मसला है, दूसरों का मसला है, ट्राइबल इलाके के लोगों का मसला है, और ये सारा पत्र हमने फिर 18 तारीख को मुख्यमंत्री जी को लिखा, और उसके बाद ठीक है अगर आज लोग आने लगे हैं प्रदेश में तो आज एकाएक इनको ये एहसास हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं धारणा जा रही है प्रदेश में कि कांग्रेस पार्टी ने कोई स्टैंड लिया है या दबाव किया है, तो एकाएक जो है ये मुकेश अग्निहोत्री पे चढ़ाई कर रहे हैं, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत है। मुख्यमंत्री में और पार्टी अध्यक्ष में बात हुई है कि ऐसा करना है, और मैं आपको बताऊं मुख्यमंत्री जी क्या सोचते हैं कि सिर्फ हिमाचल में की दुनिया में वही रह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आपने जिस ढंग से अखबारों में और मीडिया चैनल हाउसेज में सोशल मीडिया के लोगों से ये आग्रह किया कि आप कांग्रेस की खबरें मत छापो, आप कांग्रेस को जो है टाइम मत दो, क्या ये हमारे जहन में नहीं है? क्या अगर लोग हमें नहीं बताते हैं, क्या सिर्फ आपका ही रसूख है, आपका ठीक है, आपके पास जो है सरकार का कोष है, आप जो है लोगों को दूसरी तरह से बोल सकते हैं, लेकिन ये आपदा की घड़ी में भी आप सारे मीडिया घरानों को जो है इस बात के लिए कहें कि कांग्रेस की बात ये आ गई, हमें ठीक नहीं लग रहा है, दूसरों का ठीक नहीं लग रहा है, ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है, अच्छी सोच नहीं है, फिर आप प्रदेश को कैसे चला रहे हैं? एक आपने खबर देखी होगी कि लाहौल स्पीति से हेलीकॉप्टर में 5 जो हैं कोरोना के पेशेंट लाए गए और दूसरे लोग भी लाए गए, और मुख्यमंत्री जी को उसका साधुवाद दिया गया, इतना तक तो मैं समझ सकता हूं कि किसी अखबार वाले ने लिखा या मीडिया वाले ने लिखा, मुख्यमंत्री के अपने ट्विटर हैंडल से उसको लाइक किया गया है, जयराम जी के ट्विटर हैंडल से उसको लाइक किया गया है। मुख्यमंत्री जी के पास जवाब है, क्या ऐसी घटना घटित हुई हिमाचल प्रदेश में? क्या 5 लाहौल स्पीति जैसे जिले से क्या आप 5 कोरोना के पेशेंट लाए? फिर आपके अपने ट्विटर हैंडल से इसको लाइक कैसे कर दिया गया?
ये बताता है कि व्यवस्था कैसे चल रही है। गढ़वाल से जो है 20 घंटे का सफर करके मजिस्ट्रेट के पास से लोग करसोग आए, 3 लोग करसोग आए, आपने उनको होम क्वारंटाइन कर दिया आपके एसडीएम ने, बाहर चिपका भी दिया कि इनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। एक दिन बाद आप उनको वापस बुलाते हो, वापस घर से निकाल के एसडीएम के दफ्तर, और उनको घर निकाला देते हो कि वापस उत्तराखंड जाओ, वापस उत्तराखंड 20 घंटे का सफर करके आप जाओ। क्या आपने मामले की जांच के आदेश दिए? जब आप बाकी लोगों को सबको हिमाचल आने पे उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल हो या होम क्वारंटाइन हो, तो आपने उन 3 लोगों को किस बिना पे जो है करसोग वापस भेज दिया। और फिर हमने अगर आपको ताजा चिट्ठी लिखी तो हमने तब लिखी जब आपने कहा कि हमारा 500 करोड़ 450 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, अभी हमें सिर्फ 40-42 करोड़ रुपए की आय हुई। आपने कहा, हमने आपको कहा कि आप अर्थव्यवस्था की तरफ भी ध्यान दो। यही बात आज आपको प्रधानमंत्री जी ने कही, लेकिन वो आपको अच्छी लगी होगी क्योंकि आपके नेता ने कही है, देश के नेता ने कही, हम भी मानते हैं। लेकिन अगर हमने आपको पिछले दिन पत्र लिख के ये कहा कि हम फार्मास्यूटिकल का सबसे बड़ा हब है, इस हब को कैसे चलाना है, क्या हम विपक्ष के नाते अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे? जब अगर हम आपको कह रहे हैं कि कारखाने चलाओ, कारखाने चलाने की अगर हमने आपसे बात कही, तो हमने क्या आपको गुनाह कर दिया जो आप कह रहे हैं कि हमें ज्ञान बांट रहे हैं? आप बताओ, जो लेबर बाहर चली गई, उस लेबर के बगैर कैसे चलेगा वो? तो इसलिए 20-25% से कारखाने चल रहे हैं। पंजाब सरकार ने कहा है कि हमें कंपनसेशन पैकेज दो कि जो नुकसान हुआ है, जीएसटी का रेट दो। आपको कंपनसेशन पैकेज आपको मांगते हुए क्या दिक्कत हो रही है? और अगर आपने नहीं मांगना है तो विपक्ष के नाते ये हमारी तो ड्यूटी है कि हम आपको कहें कि आप केंद्र से कंपनसेशन मांगो। और सबसे बड़ी बात है, दूसरा मसला, अगर हमने आपको ये कहा कि भाई कर्मचारियों की आपने तनख्वाहें काट ली, एक एक दिन की काट ली, और तो और आपने विधवा पेंशन से भी काट ली, आपने किन लोगों की कटनी चाहिए हैं, ये थोड़ा बहुत तो ख्याल किया होता। चलो आपने सबकी काट दी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा। केंद्र सरकार ने जो डीए काटा है वो फौजियों का भी काट दिया जो सरहदों पे काम कर रहे हैं, डीए डीआर पेंशनर्स का भी काट दिया। और इसलिए हमने आपको समय रहते आगाह किया है कि भैया आप हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के किस को जो है ये न्यू जो है पे स्केल भी नहीं मिला है, आप जो है उनके उस पे कैंची मत चलाना। और हमें पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो व्यवस्था है अभी हम इसको चलाने की स्थिति में हैं, और हमें ये मालूम है अभी 49,000 करोड़ का तो हमने बजट पास किया है, और उसमें 3,000 करोड़ रुपए का हेल्थ का बजट है, दूसरी जो भी चीजें हैं। अगर इन परेशानी क्या हो रही है, अगर हमने कह दिया कि भाई 1,013 करोड़ के रुपए की हवाई पट्टियां जो है आपने बजट रखा था, इसको हेल्थ में डाल दो, तो ये हवाई पट्टियां बाद में भी बन सकती हैं। तो हम अपनी बात रखेंगे और रखते रहेंगे। और हमने ये कहा है कि प्रदेश को जानने का अधिकार है, प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है, पारदर्शी तरीके से रखें, प्रदेश ने कितने वेंटिलेटर खरीदे, कितनी सामान खरीदा, सामने रखें, प्रदेश को कोविड फंड में कितना पैसा आया है सामने रखें, केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को क्या दिया है दूसरे राज्यों की तुलना में सामने रखें। आज इसलिए हम विपक्ष में हैं, हम अपनी बात कहेंगे। अगर आप सोचेंगे कि हमें धमका लेंगे, हमें डरा लेंगे, तो हम डरने वाले नहीं हैं। और भाजपा के राज्य अध्यक्ष से भी हम ये कहना चाहेंगे, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो कोरोना के दौर में हॉस्पिटल्स में जाके डॉक्टरों से फूल पुष्प गुच्छ भेंट ले रहे हों। मौका था डॉक्टरों के ऊपर बरसाते फूल के पुष्प गुच्छ। और आप बता भी दें, आप कहते हैं कि जी कोटा से बच्चे लाए, चंडीगढ़ से लाए, कल हम दिल्ली से भी लाएंगे। आपने क्या भूमिका निभाई, आपने कितनी बार कहा, आप मीडिया चैनल्स में बता दें आपकी क्या राय थी। हम तो कंटिन्यूसली अपनी बात रख रहे हैं, और लोकतंत्र में बात रखने का अधिकार है। श्रेय की चिंता आपको हो गई है, श्रेय की चिंता आपको हो गई है, हमें नहीं है चिंता, ना हम इसमें श्रेय चाहते हैं। हम चाहते हैं हर हिमाचली तक राहत पहुंचे। आप बताते ना कि आपने कहा कि हमने हिमाचल से बाहर बहुत लोगों की मदद की है, किसकी मदद की है आपने?
हिमाचल सदन में किसकी मदद हुई, दिल्ली में या भवन में किसकी मदद हुई, चंडीगढ़ हिमाचल भवन में किसकी मदद हुई, ये कहने से नहीं हो जाता। राशन आपके लोगों ने बांटा, आपने राजनीतिक तौर पे जो है अपने मंत्री लगाए, अपने एमएलए लगाए, आप जो है परमट बांटने तक तो जो है आपने राजनीति की, और हिमाचल में मुद्दा उठा कहां से जब आपने बीआईपी लोगों को लिए जो है दूसरा कानून लगाया, जब आपके सांसद दिल्ली से आए तो लोगों ने सवाल किया, जब आपके अफसर दिल्ली से आए तब लोगों ने सवाल किया, जब अफसरों के बच्चे किन्नौर तक पहुंच गए तब लोगों ने सवाल किया, जब बीआईपी लोग जो है रात के अंधेरे में हिमाचल पहुंचते रहे तब बाहर के लोग भड़के। अगर आपने दोहरा कानून ना रखा होता, ये चोर बाजारी के रास्ते ना रखे होते तो शायद ऐसी कोई स्थिति ना बनती। इसलिए मुख्यमंत्री जी, हम बहुत आपका सम्मान से बात कर रहे हैं, जो विपक्ष के नाते हम बात रख रहे हैं, हमने ये हमारा अधिकार है कि हम आपसे मिल के बात करें, आपको पत्र लिख के करें, आपको मेल भेज के करें। आपकी इच्छा है किसी का जवाब देना है या नहीं देना है, आपकी इच्छा है कि किस ढंग से आपने एक्ट करना है, लेकिन मैं समझता हूं भड़कने की ज्यादा जरूरत नहीं है। भड़कने से कुछ नहीं होगा। आप जो हैं आज इसलिए चिंतित हैं क्योंकि आपको अर्थव्यवस्था की भी दिक्कत है, क्योंकि आपको चिंता है अभी के देव प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे कायम करनी है, टैक्स, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ करने को है। आज सारे टैक्सी वाले, सबकी टैक्सियां खड़ी हैं, और रोजमर्रा का जीवन यापन करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। क्या आप उन सबको पैसा देंगे? क्या आप हर टैक्सी वाले को महीना लगाएंगे कि जब तक आपका काम खुल नहीं जाता हम आपको पैसा देंगे? या आप जो गाड़ियां नहीं चल रही हैं उनकी मदद कैसे कर पाएंगे? या जो दूसरे लोग हैं, किसान की फसल आप खरीदोगे? फैक्ट्रियों में जो फैक्ट्रियां बिल्कुल बंद हो गई थी उनको चलाने के लिए क्या किसी ढंग सा किसी स्तर पे कोई कंपनसेशन है? और फिर टैक्सेस की कलेक्शन की क्या स्थिति है? ये सारी बातें जो है आज सामने है। जीएसटी का रिफंड आपको नहीं मिला है। जब ये मसले सारे खड़े हो रहे हैं तो ठीक है, आर्थिकी आपको चिंता है, लेकिन लड़ाई में इनसे आग्रह करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी, लड़ाई कोरोना से लड़ो, लड़ाई जो है अर्थव्यवस्था ठीक करने से करो, लड़ाई कांग्रेस से मत लड़ो, लड़ाई जो है मुकेश अग्निहोत्री से मत करो, ये सही सोच नहीं है। आपको जिस भी सलाहकार ने ये कहा है, हम आपको कहते हैं ठीक है, आप ही ज्ञाता है, हम तो ये भी मान लेंगे, अगर आप कहेंगे सृष्टि का रचयिता भी हम ही हैं, हम वो भी मान लेंगे, लेकिन ये तौर तरीका ठीक नहीं है। हम आपसे जो इश्यूज उठा रहे हैं, आप ये कहते हैं कि इसमें से कौन सा इशू रेलेवेंट नहीं है? अगर ये कहा कि आर्थिकी के बारे में सोचो, या ये कहा कि बाहर हमारे लोग फंसे हैं उनकी मदद के बारे में सोचो, या हमने कहा कर्मचारियों के DADR के ऊपर कैंची मत चलाओ, या हमने कहा कोविड फंड की जो है पारदर्शिता रखो, और इसके नाम पे जो लूट करने की कोशिश कर रहे हैं उन पे नजर रखो, ये सारी बातें रिकॉर्ड पे आई हैं, ऐसा नहीं है। और अगर गवर्नर के पास हम गए तो आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में एक व्यवस्था बनी हुई है कि जब सरकारों से कोई संतुष्ट नहीं होता तो राजनीतिक दल महामहिम के पास भी जाते हैं। महामहिम ने भी उसके बाद मीटिंग ली है, गवर्नर ने भी मीटिंग ली है। और जहां तक बिंदल साहब का सवाल है, मैं उनको कहूंगा कि जो भी राय देनी है अपनी सरकार को दें, इस समय जो भी राय देनी है सारी अपनी सरकार को दें, सुझाव दें, प्रदेश हित के सुझाव दें। मुकेश अग्निहोत्री के श्रेय की चिंता मत करें, और आप जो जिस तरीके से आप कह रहे हैं मैंने इतना राशन बांट दिया, मैंने इतने मास्क बांट दिए, फलां बांट दिए, बाकी दूसरी पार्टियों पे तो आप रोक लगाते हैं कि आप कुछ नहीं करेंगे। फिर आप
आप कैसे क्लेम करते हैं जब ये कह दिया कि सिर्फ सरकार करेगी? तो मुख्यमंत्री जी और बिंदल जी, मुझे लगता है कि ये एक महीने के अंतराल के बाद जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे इनको महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है हमारे से सरकार के फैसले लेने में कुछ चूक हो गई है, और इस चूक से कहीं कोई फायदा किसी दूसरी दल को ना चले जाए, इसलिए आज जो है भड़क के जो है हमारे पे हमला कर रहे हैं। हम इनसे आज भी ये कह रहे हैं हमारा सहयोग है, प्रदेशवासियों की मदद करो, और खास तौर पे जो अब इस समय हिमाचल के बॉर्डर पे लोग आ रहे हैं, व्यवस्थाएं देखो कैसे टूट गई हैं, वहां पे ठीक ढंग से दल तैनात करें, डॉक्टरों के, पुलिस के, क्वारंटाइन करने की व्यवस्थाएं, सारी चीजें ये जो है आपके करने की है, सरकार में आप हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूं। तो ठीक है, एकाएक सब्र टूटा सरकार का और संगठन का भी साथ में टूट गया, तो लेकिन होता है, ऐसा हो जाता है। हम फिर भी इनसे आग्रह करेंगे कि प्रदेश को के लोगों को वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट होता है, कल्याणकारी सरकार का जो कंसेप्ट होता है, मददगार सरकार का जो कंसेप्ट होता है, उस पे काम करें, और इच्छा करें तो विपक्ष से राय लें, नहीं तो हम अपनी लोकतांत्रिक ड्यूटी निभाते हुए अपनी राय देते रहेंगे। धन्यवाद।